84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज विश्व योगा दिवस के तौर पे भारत सातवां योग दिवस मना रहा है। हालांकि पैंडेमिक के कारण ये वर्चुअली सब लोग मना रहे हैं, तो इसी उपलक्ष्य पे हम भी इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज मेरी वाइफ बेबी कुछ योग आसन करेगी और हम उसे फिल्मा रहे हैं। तो सबसे पहला जो आसन यहाँ पे करके दिखाएंगी ये है वीरभद्रासन। तो वीरभद्रासन करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से पोज बनाना पड़ता है। एक पैर बिल्कुल स्ट्रेट नीचे, दूसरा पैर हवा में और हाथों को सीधा आगे रखना होता है। आपको बैलेंस बनाना होता है, इस तरीके से ये आसन होता है। तो देखिए, इसमें बिल्कुल आपकी कमर, पैर, सर बिल्कुल सीधा, इसे वीरभद्रासन कहा जाता है। अब दूसरा आसन करेंगे अर्धचंद्रासन। ये आधे चांद की तरह हम बनेंगे। इसमें भी सेम, एक पैर को बिल्कुल स्ट्रेट रखा जाता है, दूसरे हाथ को नीचे स्ट्रेट रखा जाता है और दूसरी टांग बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे होती है। तो इस तरीके से अर्धचंद्रासन ये होता है। इसमें भी आपके बॉडी पर कंट्रोल होना चाहिए, बट प्रैक्टिस से आप ये कर सकते हैं। ये है अर्धचंद्रासन। अब तीसरा जो आसन होगा वो होगा उत्थिता हस्ता पद अंगुष्ठासन। इसमें क्या करना होता है, आपको एक पैर के बल खड़ा होना होता है, दूसरे पैर को बिल्कुल 90 डिग्री बनाना होता है और अपने अंगुष्ठ यानी कि अंगूठे को पकड़ना होता है और सीधा आगे देखना होता है, एक सेंटर। अगला जो आसन होगा वो होगा नटराजन आसन। नटराज मतलब शिव जी से लिया, नृत्य से लिया गया ये आसन। इसमें देखिए किस तरह की पोस्चर में आपको आना होता है। अगेन इट्स अ बैलेंसिंग जॉब और आपको वेल बैलेंस इसमें बनाना पड़ता है। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट था। करेंगे साइड प्लैंक। साइड प्लैंक ईगल पोज, गरुड़ासन, वेरी नाइस अटेम्प्ट। करेंगे गरुड़ आसन और ईगल पोज, वेरी गुड कीर्ति। अब ये करेंगे भुजंग आसन। वेरी गुड। करेंगे धनुरासन। वेरी गुड। पटवार क्लासेस रोल नंबर 7 सेक्शन बी। मैम आज हम शीर्षासन करने जा रहे हैं। मिट्टी तुम्हारे में दूसरे आए थे। है चक्रासन। सांस लेनी है पीछे की तरफ। वापस
ए, आवाज नहीं, ए, अच्छे से करो। हाँ हाँ चलो चलो बढ़िया। एंजल नीचे करो बेटे। जैसे आए थे वैसे वापस।